मित्रों आप देख रहे हैं भारत टीवी 24 न्यूज। आज हम आए हुए हैं भावना स्टेट पर और यहाँ पर सैनिक संस्कार फाउंडेशन है। यहाँ पर कुछ बच्चे हैं जो यहाँ पर एक्टिव हैं और यहाँ पर सीखने आते हैं। एलएस यादव जी के यहाँ, आपका नाम? मेरा नाम संजय यादव है जी। कितने समय से हैं यहाँ पर? मैं यहाँ पे अभी तो एक दो महीने से आई हूँ। वैसे यहाँ पे मैंने सुना है एक दो साल से ही ये चल रहा है। अपना नाम? मेरा नाम डिम्पी है। मैं यहाँ पर 1 ईयर से कर रही हूँ ट्रेनिंग। और आपका नाम? मेरा नाम पूनम बघेल है। मैं यहाँ पे 1 साल से आ रही हूँ। यहाँ पे बहुत अच्छा सिखाते हैं एलएस यादव फौजी सर, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मैं यहाँ पे वर्कआउट के लिए भी डेली आती हूँ, तो यहाँ पे एक्सरसाइज भी कराई जाती है, कुछ अच्छा लगता है मुझे, इसलिए मैं आती हूँ। और मेरे पापा अच्छा, भी आते हैं। और क्या क्या मतलब स्टेप है इसमें? इसमें ये जंप वगैरह कराई जाती है, डी है, और तुम्हें ये मतलब हाई जंप है, और किक वगैरह सिखाई जाती है, और चढ़ना भी सिखाया जाता है, रस्ते पर कैसे चढ़ा जाता है, और विम लगाई जाती है। मतलब पूरी फुल ट्रेनिंग दी जाती है? फुल आर्मी की ट्रेनिंग दी जाती है। सीधा निकलने का सीधा आर्मी में जा? यस सर, थैंक यू सर। अपना नाम? मेरा नाम डॉली बघेल है। मैं 1 ईयर से आ रही हूँ यहाँ पे। मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आके, और क्या कहते हैं, यहाँ पे बहुत अच्छा सिखाया जाता है। आपका नाम? मेरा नाम खुशी चौहान है। मैं यहाँ पर 1 ईयर से आ रही हूँ। यहाँ पर मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर रनिंग, हाई जंप, लॉन्ग जंप, हर प्रकार की जंप सिखाई जाती है। यहाँ से डायरेक्ट हम आर्मी में दे सकते हैं। और यहाँ पर जो हमारे सर हैं वो गरीबों की बहुत मदद करते हैं। यहाँ के हम झुग्गी झोपड़ियों में भी जाते हैं, सर है ना, उनको कुछ चावल वगैरह और पेंसिल कॉपी किताब देते हैं, और फ्री कोचिंग भी कराते हैं सर। हम जैसे बच्चों को, जो गरीब है, वो कोचिंग नहीं जाते, स्कूल नहीं जाते, उन लोगों को फ्री ट्यूशन भी देते हैं। इन्होंने एक टीचर रख रखे हैं जो कि उन बच्चों को पढ़ाते हैं। उन्हें भी अभी कोई फीस नहीं देते, फीस भी नहीं है, और पढ़ाते भी हैं। सब बच्चे भी यहाँ पर आते हैं, बहुत सारे बच्चे आते हैं यहाँ पर। यहाँ से ट्रेनिंग देने के बाद बच्चे अपने सीधे फौज में जा सकते हैं ट्रेनिंग लेने के लिए। तो सरकार भी कोई इधर ध्यान नहीं दे रही है? सरकार ने भी कोई मदद नहीं की, कोई मदद नहीं की। सब अपनी तरफ से टी शर्टें हैं और अपने ट्रेनिंग है, सबको जूते लो, बनियान लो, जितना भी कपड़े होते सबको सीधे एलएस यादव जी देते हैं। वो बहुत मदद करते हैं सैनिक संस्कार फाउंडेशन। तो सरकार को भी देखना चाहिए, यहाँ पर जितनी योजना है, और सरकार को अपनी तरफ से इनकी मदद भी करनी चाहिए। जैसे कि सरकार पीएन फंड होता है, जैसे कि सीएम आवास की तरफ से, और तुम्हारे नेता मंत्रीगण जितने भी हैं उन लोगों को भी ध्यान देना चाहिए। हम अपने चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि इनकी पूरी जितनी भी